वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते पर्व प्रधान पुरुषम दाने विशोद वदे गण विश्रम तस्मै नमो विघ्ननाशनाय। ओम अवत्रह वत्रो वास्वावतांगतो विवाह यह स्मरेत पुण्रेगाक्षम द्रवाभ्यांद्रहसजे पुण्रेगाक्षुनाथ पुण्रेगाक्षुनाथ पुण्रेगाक्षुनाथ। ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। या श्री स्वयं जगतनाम भवनेश लक्ष्मी पापात्म नाम गृदयाम हृदय सबोति श्रद्धा सताम कुल जनस प्रवश लज्जा ताम तान ताश्व परिपालय देवी विश्व। श्री विष्णु प्रियाय नमः तुलसीयाय नमः सर्वोजरार्थे गंधा पुष्पाणि समर्प्यामि। यम प्रवजन्तु मनभेदम वेद ग्रंथ्यम द्वैपायनो विरह का दर्याज भाव पुत्रे तितनमयतया तरहो विनेन्दो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मे। भगवती श्री शुकाय नमः व्यासंदराय नमः ज्ञानगम्याय नमः ध्यायान्ति ध्यानमक्षं पुष्पं समर्प्यामि। सर्वोजरार्थे गंधा पुष्पाणि समर्प्यामि। माल्यादीन सुगंधिने मालत्यादीन वैप्रवो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्राहिता महा पुष्पमालां समर्प्यामि। भगवते श्री व्यासंतराय नमः ज्ञानगम्याय नमः नैवेद्यं नैवेद्यान्ते समर्प्यामि पुनर्जलाचमनीयं समर्प्यामि। अत श्रीमद्भागवत भोजनम् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यदवैष्णवानां दलं यशमिन्द्रवारमञ्जमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविराग्भक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन्विपठन् विचारपरो भक्त्याभिमोचे नरः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ध्यायन्ति ध्यानमक्षं पुष्पं समर्प्यामि। ओम अग्रस्वाम मंदस्वाम बृहस्पते द्वामोगदेशो मोराजा विद्वानिक्ष्वादमुच्यतः गन्धकपुष्पाणि समर्प्यामि पुष्पमालां समर्प्यामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगों ज्येष्ठादयोः समवर्ततः पदव्याम ओं द्विजः श्रोत्रा तथा लोका अगलभयन्नः नैवेद्यं नैवेद्यान्ते समर्प्यामि पुनर्जलाचमनीयं समर्प्यामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजासुतं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः नमस्करोमि। अत व्यासभोजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। अजतुर्वदनो ब्रह्मादु बाहुर्परो हरि अभाललोचनजाम्बोर् भगवान् बादरायणः श्रीमदे सर्वविद्यानां प्रभुवायसो ब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। निम्बारकाय नमो नमः। निम्बारकाय नमो नमः। ॐ मिदगुमभिः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुंसहि आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकजन्यवयजनि अग्निः व्रजं बहुलं मे करो त्वन्नं वयोरेतु अश्वासदशः ज्वालामालिनवृत्रे सुरै नमः। सर्वोजरार्थिगन्धपुष्पाणि समर्प्यामि। निवेदन है सभी भक्तों से बैठे बैठे ही आज आरती करेंगे सभी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती।
पुष्पांजलि हरि ओ जजनेन यज्ञवय जन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्या जाना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओ एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदया हरि ओ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया हरि ओ महालक्ष्मी ज विद्महे विष्णुवदनी ज धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया सेवन्दगावकुलजं भगपाटलाब् जय पुण्याजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिन मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोलि भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमती पुष्पा भोला सिंह पूज्य महर्षि को आशीर्वाद प्राप्त करें। महर्षि से प्रणाम करके और निवेदन करूंगा कृष्णा गोपाल गुप्ता श्रीमती रतन गुप्ता बीकानेर राजस्थान से वो भी पूज्य महर्षि को प्रणाम करेंगे आशीर्वाद। आप हमारे इन्होंने रूम की सेवा भी आपकी ओर से यहाँ पर है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा जिन जिन को बुलाऊं वो शीघ्रता से इधर से ही आकर पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले निवेदन करूंगा इंदौर से हमारे पधारे हैं श्री प्रेम गोयल जी, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपका सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत समय से प्राप्त है और हमेशा ऐसे ही कार्य
धर्म के कार्य, बड़े ही समाज के कार्य वो करते रहते हैं। अभी इंदौर में भी जो आयोजन हुआ था उसमें भी बहुत बड़ा योगदान आप श्री का रहा, तो एक बार प्रेम भैया पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में निवेदन करूँगा अशोक कुमार गुप्ता जी बुलंदशहर से, वो भी पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रकाश अग्रवाल जी इंदौर से, सुरेश अग्रवाल जी इंदौर से, वो भी महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विष्णु विंदल जी इंदौर से, वो भी पूज्य महर्षि जी को प्रणाम करेंगे। और श्री निर्मल गुप्ता जी, श्री महेश अग्रवाल जी, श्री गोविंद अग्रवाल जी इंदौर से, ब्रज अग्रवाल जी इंदौर से, ओम अग्रवाल जी इंदौर से। और निवेदन करूँगा श्री अनूप जी पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे वृंदावन से, अनूप शर्मा जी। और निवेदन करूँगा कि हमारे जो सलाहकार में रखे गए हैं शांति वैन रोहतक हरियाणा से, वो भी महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्याम सुंदर शर्मा दिल्ली से, वो भी पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी कड़ी में निवेदन करूँगा हमारे बीच में पूज्य बद्री जी महाराज भी पहुँचे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में जिस प्रकार हमारी संप्रदाय के जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ शलायमाबाद अजमेर राजस्थान से जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य स्वामी श्री 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 जी महाराज के युवाचार्य श्री श्याम शरण देव जी महाराज पूज्य युवराज जी महाराज हमारे बीच में हैं, तो एक बार उनको प्रणाम करते हुए हम निवेदन करेंगे। श्री एच पी अग्रवाल जी, एम एल सोनी जी, आर के जैन जी, पूज्य युवराज जी को माला अर्पण कर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान, उनका उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूज्य युवराज जी से। श्री एम एल सोनी जी जो मुंबई समिति के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी भी हैं, उनसे निवेदन है कि पूज्य युवराज जी महाराज को माला अर्पण कर शॉल उड़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्यों की ओर से पूज्य गुरुदेव को नमन, और शांति सेवा धाम में आपका तहे दिल से स्वागत है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य बद्री जी महाराज को श्री एम एल सोनी जी, एच पी अग्रवाल जी माला अर्पण कर और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हम सभी चलेंगे आज के इस आशीर्वचनों की ओर, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य बद्री जी महाराज अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। और जिस प्रकार आपका स्नेह इस संस्था को हमेशा मिलता रहा है, तो सबसे पहले निवेदन करूंगा पूज्य बद्री जी महाराज अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। और हम सभी जिस प्रकार अनेकों अनेक महापुरुषों का आशीर्वाद प्रतिदिन हमको मिलता रहा है, तो आज चलेंगे हम पूज्य सबसे पहले बद्री जी महाराज के सन्निधि। बोलो भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सर्वेश्वर भगवान की, श्री जमुना महारानी की, श्री गिरिराज भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव व्यास आसन पर आसीन हमारे परम प्रिय श्री देवकी नंदन शास्त्री ठाकुर जी महाराज, श्री जी महाराज के उदीयमान भास्कर परम पूज्य श्री युवराज जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी संतजन विद्वज्जन,
समुपस्थित भक्तजन, बड़े ही सौभाग्य का दिवस है और समय है होली का कि आज रसिक शेखर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की नित्य केली श्रीधाम वृंदावन में और उसमें भी उनकी परम प्रिय श्री रमण रेती क्षेत्र में उन्हीं के परम प्रिय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा उनके श्री मुख से इस रसमयी होली की पावन बेला में श्रीमद् भागवतामृत के रस से सराबोर हो रहे हैं। ये प्रीत की रीति बताने वाली होली के समय की अद्भुत वेला है। होली क्यों मनाई जाती है हम और आप सभी जानते हैं कि जब भक्तों में शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकशिपु के द्वारा सताए जाने की प्रक्रिया में जब सिंह काने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के आधार पर कि जब तक मेरे शरीर पर उत्तरीय दुपट्टा रहेगा मुझे अग्नि जला नहीं सकेगी, प्रहलाद जी को गोद में लेकर हजारों मन लकड़ियों के ढेर पर वो बैठ गई। परंतु प्रहलाद जी महाराज जले नहीं, हिरण्यकश्यप अचंभित रह गया जब उसने देखा कि अंगारों के ढेर पर प्रहलाद सुरक्षित है। उन्होंने पूछा, प्रहलाद तुमको अग्नि नहीं लग रही है? प्रहलाद ने कहा, भगवान राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पाव कोपी सलिलाये ते धुना। यहाँ तो अग्नि भी ठंडक पहुँचा रही है, ये भगवान नाम का प्रभाव है, ये तो बताया प्रहलाद जी ने। परंतु आज एक आश्चर्य की बात है कि जिस राक्षसी ने प्रहलाद को जलाने के लिए चिता पर बैठकर पूरा प्रयत्न किया था हिरण्यकश्यप की मनसा पूरी करने के लिए, वो स्वयं तो जल गई, प्रहलाद को नहीं जला पाई, फिर भी आज हम प्रत्येक वर्ष उसी पर्व पर उसी चिता को सजाते हैं, उसका पूजन करते हैं, जो नवान्न उत्पन्न होता है उसका भोग लगाते हैं, उसका भक्षण करते हैं, उसका वितरण करते हैं, और तो और उस चिता का प्रतीक हम अपने घर में भी जलाते, होलिका से अग्नि लेकर आते हैं, अपने घर में भी एक होलिका का प्रारूप एक चित्रण तैयार करके घर में भी होलिका का पूजन होता है। तो भक्तजनों, आप सब जानते हैं कि चिता हमारे यहाँ पवित्र नहीं मानी जाती, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ चिताओं पर जलने वाले पूजित हुए, जैसा कि हमारे महिला समाज में मातृ समाज में जो जो सतियाँ हुई, रानी सती का मंदिर इसका उदाहरण है कि हम उस चिता की प्रतीक का नित्य प्रति पूजन करते, परंतु होलिका का पूजन ये तो आश्चर्य है, वो तो कोई सती नहीं थी, उसने तो प्रहलाद को एक भक्त को जलाना चाहा था, एक बालक को अपने वर के प्रभाव से भस्म कर डालना चाहा था, और फिर भी आज हम उसे देवी के रूप में बल्कि उससे भी अधिक प्रतिवर्ष उसको चिता के रूप में उत्पन्न करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, फिर उसका पूजन करते, उसका भोग लगाते, उसका प्रसाद ग्रहण करते, ऐसी क्या खासियत थी उसमें? तो भक्तजनों, जैन साहित्य में इसका संकेत मिलता है कि आज हम होली का पूजन क्यों करते हैं, होली की परिक्रमा क्यों लगाते हैं। ऐसा वर्णन है कि जब होली का गोद में लेकर प्रहलाद को बैठी, चारों तरफ से धू धू करके
और वह विकराल चिता जब तैयार हुई, होलिका के हृदय में मातृत्व जागृत हो गया। उस सिंहिका ने विचार किया, कदाचित इस गोद में लिए हुए बालक को, जिससे मैंने प्यार से अपने बालक के समान गोद में बिठाकर स्नेह देते हुए और चिता पर बैठने तैयार किया था, अगर कदाचित आज मैंने अपनी गोद में अपने वरदान के प्रभाव से इसको जला दिया तो सारी सृष्टि में मातृत्व तो कलंकित हो जाएगा। और बंधुओं, कहा गया है मां के समान ना ही मातृ समो गुरु, मां के समान ना कोई दूसरा गुरु है ना कोई दूसरा भगवान है, मां केवल मां होती है। और उसने उस मातृत्व की रक्षार्थ ब्रह्मा से प्राप्त उस उत्तरीय को प्रहलाद पर उड़ा दिया, और बंधुओं वो प्रहलाद जीवित रह गया, सुरक्षित रह गया, स्वयं होलिका मातृत्व की रक्षा में स्वाहा हो गई। आज यही कारण है कि हम आज उस राक्षसी की नहीं बल्कि उस मातृत्व की पूजा करते हैं। और ऐसे इस पावन पर्व पर आप लोग वृंदावन में पधारे और यहाँ आकर के ठाकुर जी के साथ में होली का दिव्य आनंद, श्रीमद् भागवत के रस का आनंद, वृंदावन के अनेक दिव्य स्थलियों के दर्शन का आनंद, यहाँ के संतों के दर्शन का, सत्संग का आनंद, कितने दिव्य आनंद समुद्र में गोता लगाने का आपको सुअवसर मिला है। निश्चय ही आप सभी और इसके आयोजक धन्यवाद के पात्र हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य बद्रीशी महाराज को, और किस प्रकार अपना आशीर्वाद हमें हमेशा इस मिशन को देते रहें यही उनसे इच्छा रखते हैं। अभी हम चलें जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, क्योंकि निवेदन किया गया पूज्य महाराज ने पूज्य युवराज जी महाराज को, तो अजमेर से चलकर, राजस्थान से चलकर सीधा इसी कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं और सुबह ही दोपहर में ही यहाँ पहुँचे हैं। तो एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोले भागवत महापुराण की जय, मार्ग भगवान की जय, श्री श्री जी महाराज की जय, पूज्य युवराज जी महाराज की जय। चलते हैं पूज्य युवराज जी महाराज के चरणों की ओर। राधे राधे। श्री कृष्ण पाद युगलम शिरसा नमामि, यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति, यद्ध्यानयोगनिरताश्चदाप्नवन्ति, केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसागिराज। श्रीशपुष्पादपि कोमलाङ्गी, शशीस्वरूपारविजा प्रतीरे, सरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां, कृष्णेन साकं लसति प्रियास। यदसंप्रदायाश्रयणान्नराणां, श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे, प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदैति, श्रृंबार्कमेतौ शरणौ। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप शांति दूत निम्बार्क संप्रदाय के गौरव देवकी नंदन जी महाराज, मंचस्थ संत महंत विद्वत वृंद, बद्रीश जी महाराज, अन्यान्य समस्त गणमान्य जन समुपस्थित, भगवत रस पिपाशु परम भाव भक्त महानुभाव, प्रथम तो
श्रीधाम वृंदावन का यह परम पावन क्षेत्र कभी कहीं पर रस वृष्टि होने वाली हो, आनंद रस की प्राप्ति होने वाली हो और उसमें यदि किसी प्रकार का व्यवधान हो जाए तो हमें आनंद नहीं आता। अधिक समय नहीं लूंगा, आप सभी निश्चिंत रहिए। आप सभी के लिए, हम सभी के लिए परम सौभाग्य का अवसर, ऐसा सुअवसर हमारे जीवन में बहुत दुर्लभ प्राप्त होता है। श्रीधाम का यह निवास, उसमें भी भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण, और समय कौन सा, फाल्गुन का, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस समय हमारे प्रिया प्रीतम कितना सुंदर इस होली का आनंद लेते हैं, यह पूरा ब्रज में ही हमें प्राप्त होता है। हमारे पूर्वाचार्य रसिकराज राजेश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने महावाणी में कितना सुंदर वर्णन करते हैं, श्यामा गोरी खेलत होरी सांवरे प्रियतम संग, भर भर जोरी बरी बर जोरी अरी अरी उलस उतंग। कितना सुंदर मधुर वर्णन किया है आचार्य श्री ने, और वस्तुतः वही स्वरूप हमें यहाँ पर इस ब्रज धाम में, ब्रज मंडल में दृष्टिगत होता है। और उसी आनंद को प्राप्त कराने के लिए देवकी नंदन जी महाराज ने कितना सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है। सभी केवल आपको फाल्गुन का ही आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, इस लीला का ही नहीं, श्रीमद् भागवत का साथ में अनेक महापुरुषों के आशीर्वचनों का भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये भगवान की वस्तुतः है, अहेतु की कृपा है हम सभी पर, तो उस कृपा का वर्षण होना चाहिए, उस रस का आनंद होना चाहिए। मैं तो स्वयं उस होली का आनंद लेने के लिए आया हूँ। होली के समय ब्रज में आने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं होता है, आचार्य पीठ में अनेक कार्यक्रम होते हैं इस समय, परंतु आपके कारण मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे लिए भी बड़े ही सौभाग्य की बात है। और अब तो उस आनंद की वर्षा होनी चाहिए। सभी सोच रहे होंगे कि उस आनंद से पूर्व व्यवधान किस प्रकार हो रहा है, तो उस आनंद रस की वृष्टि हो, इसी के लिए हम सभी लालायित हैं। और भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में यही प्रार्थना कि आपके द्वारा इसी प्रकार विश्व शांति का संदेश संपूर्ण विश्व मात्र में प्रचारित प्रसारित हो, और आपके द्वारा आपके मुखारविंद से इसी प्रकार भगवत चर्चा सभी श्रवण करते हुए आनंद प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने संक्षिप्त भावों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम हमारे पूज्य गुरु जी और पूज्य युवराज महाराज को, जिस प्रकार अपने कम शब्दों में और इतना सुंदर आशीर्वाद इस संस्था को और जितने भी भक्त जन यहाँ आए हैं उन सभी को आशीर्वाद दिया है। प्रार्थना यही कि ऐसे ही आशीर्वाद जब जब संस्था को और भक्तों को जरूरत हो तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रहे। एक बार पुनः सभी हाथ जोड़कर नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे पूज्य गुरुजी महाराज को। इसी कड़ी में हम सभी चले हैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में, जिस प्रकार शांति सेवा धाम में होली के अवसर पर वृंदावन में प्रथम बार पूज्य महाराज श्री के
पावन सानिध्य में भागवत कथा का आयोजन यहाँ किया गया है और शांति सेवा धाम में प्रथम बार है इस सत्संग हॉल में ये आयोजन प्रथम बार किया जा रहा है और सबसे बड़ी भाग्यशाली हम इसलिए भी हैं कि पहला ही आयोजन भागवत कथा का यहाँ हो रहा है और 211 पाठ भागवत कथा के यहाँ हो रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और इससे अच्छा आशीर्वाद क्या मिल सकता है। अभी चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में कथामृत पान करने के लिए। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञसुरान् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदं यदा विनमयो यत्रत्र सर्गो मृष धामना स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं। शवद्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार अहो वृषवानु की लाडली निक मेरी ओर नियार। वर्षाने की राधिका नंद काम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे व्रजासुरं। उपस्थित सभी भक्तवृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और नित्य की तरह सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे उपरांत में कथाक्रम प्रारंभ करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडार सब भद्र भाव देख सदमार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी।
संसार सब दुखिया रहे नभो ये अभिलाषा हम सब भगवन पूरी हो श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपना श्री अपना व्यासपीठ ग्रहण करें उनके प्रांत में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना हो वो भी अपना स्थान ग्रहण करें अपना आशीर्वाद प्रदान करें स्थान देवता वासुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम ये भी अपना स्थान ग्रहण करें विद्युत समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज विद्युत गण पधारे हुए सभी भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन उपरांत में आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश में सभी प्रेमी रसिक जन जो श्रवण कर रहे हैं उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा और धीरे बोल लेते और खा लो गाजर को आलू का आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे निम्बार्क संप्रदाय के और मेरे हृदय में घटघट वास करने वाले पूज्य महाराज श्री यहाँ पर पधारण आशीर्वाद दिया यकीन कभी कभी आंखों पे होता नहीं है कभी भाग्य पर भी नहीं होता कभी कभी हम बैठकर सोचते हैं कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई कि जब श्री चरणों में निवेदन कर दें तब तब हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है न जानाम योगम जपम नैव पूजा कुछ जानते भी तो नहीं न सेवा करना जानते हैं न की है उसके बावजूद भी आप श्री की हमारे ऊपर बहुत कृपा है जब भी हम जय जय से मिलते हैं महाराज श्री से मिलते हैं मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रभु ही विराजमान है जन्म जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं जब इन श्री चरणों का दर्शन होता है इस जन्म में तो नहीं किए जय जय पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने तभी इतनी सुंदर पवित्र और पुरातन पद्धति के परिवार का एक सदस्य होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है
एक समय नहीं, एक सत्र नहीं, एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी अगर इन गुणों का हम वर्णन करने लग जाएं। और शायद वाणी में उतनी क्षमता भी नहीं है, शायद, क्यों ये कन्फर्म है, वाणी में उतनी क्षमता नहीं। बस इतना ही कहेंगे, जैसे भी हैं आप ही के हैं। हमारे श्री बद्रीश जी महाराज भागवत के प्रकांड विद्वानों में से हैं और आपका बहुत बड़ा वर्चस्व पूरे भारत में नहीं, भारत से बाहर भी है। उनका भी आशीर्वाद आज आप सबको और हमें मिला। तहे दिल से, हृदय से उनका ब्राह्मण सभा के भी आप बहुत बड़े कार्यकर्ता बनकर कार्य करते हैं और धर्म प्रचार में, जमुना की रक्षा में आपका बहुत बड़ा हाथ है, लगे रहते हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही देखिए, धर्म की सेवा के लिए अभिमान विगत होना चाहिए। जो व्यक्ति कहीं अपने हृदय में अभिमान पाल लेगा तो वो धर्म की रक्षा नहीं, वो तो सिर्फ अपनी और अपनी पद प्रतिष्ठा की रक्षा में ही पूरा जीवन लगा देगा। लेकिन जो अभिमान से दूर रहते हैं, वही लोग अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने परिवार को सही मार्ग का दर्शन करा सकते हैं। और हमारे बद्रीश जी महाराज उन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए। और हमारा ये जो ब्रज पुष्प सम्मान का जो एक समारोह है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है उस सेवा में, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है इस परिवार को इतना आशीर्वाद देने के लिए। और अब आप कथा श्रवण करें। ये वृंदावन जहाँ नित्य लीलाएं आज भी होती हैं, जहाँ आज भी श्यामा श्याम इस पावन भूमि पर अद्भुत लीलाएं करते हैं। आप लोग श्री निधिवन में गए होंगे और जो लोग गए हैं वहाँ का वो परदृश्य आपने देखा होगा, वहाँ की वो लता पताएं आज भी अद्भुत दर्शन कराती हैं श्यामा श्याम की लीलाओं का। मैंने पहले दिन से ऐसे ही नहीं कहा कि वृंदावन प्रेम का किला है। इट्स नॉट ओनली वर्ड्स, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यहाँ के कण कण से वो झलकता है। अब ईमानदारी की बात यह है, अगर प्रेमी बन के आओगे तो आपको वो दिखाई देगा कि ये जो सिर्फ शब्द है ना, वो शब्द नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इट्स ट्रू माय डियर। कैसे? इस ब्रज की सेवा, ब्रज रज की सेवा, इस श्रीधाम वृंदावन की सेवा किशोर जी के चरणों की सेवा से कम नहीं है। कितना हमारे अनेक संतों ने कहा है ना, नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी एक से भी अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो निश्चित तौर पर तुम भगवत दर्शन करने के अधिकारी हो जाते हो। और आपका तो सौभाग्य है, श्रीधाम में वास है आपको, नाम की शरण में हो। मैंने पहले ही दिन बोला था ज्यादा ज्यादा भजन करना, कहा था कि नहीं, अब जो न करे वो चोर। हमने तो कह दिया, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी, अब तुम पे ना आ रहे तो तुम कम खाओ, वजन ज्यादा हो जाएगा। नाम आप जपते ही होंगे मॉर्निंग इवनिंग, जब भी, उसके लिए हमने तैयारी भी की सुबह शाम, सुबह से लेके, ऐसा कोई क्रम नहीं है जिस वक्त आप फ्री हों। सुबह 7 बजे से पूजा शुरू होती है, पूजन के बाद यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ के बाद कथा शुरू होती है, शाम को या तो रासलीला का दर्शन आप करते हैं या भजन संध्या होती है। आपके लिए पूरा ये 7 दिन हमने एक ऐसा महोत्सव बना दिया है जिसमें आप श्री राधा रानी के नाम के बगैर रह ही ना सके। और यज्ञ के बाद अगर तुम रह जाओ तो भैया गलती हमारी ना है, गलती तुम्हारी है,
ठीक है कि नहीं? तो नाम की शरण में हो, कथा प्रभु की लीला की शरण में हो, स्वरूप आहा क्या कहें, क्या स्वरूप नहीं दिख रहा? और ना देख रहे हो तो तुम्हारी आंख इनको दोष है, वो यहां बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, देखो तो सही। और जो नहीं देखे हैं, जिनके नेत्र नहीं हो उस लायक, तो भाई आई एम सॉरी, ये तो तुम्हारा फॉल्ट है, मेरी बात नहीं। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी, खड़े हो बस इतने ही काफी है, आपकी बड़ी कृपा होगी। ताली बजाते रहें और आज सेवा करते रहें।
माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। प्यार से बोलेंगे हमारे निम्बार्क संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसकी चर्चा अभी महाराज श्री ने की। वाणी महावाणी, महावाणी जब मैं कल जिसका पठन कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, कल नहीं शायद परसों बताया था, कि जिस सृष्टि को आप और हम देख रहे हैं ये सृष्टि का सूत्रपात श्री किशोर जी के चरण के नूपुर की धुन से हुआ है, जिसको मैंने आपको वर्णन करके बताया था। कितना अलौकिक ग्रंथ है महावाणी। इस ग्रंथ को जब पढ़ा तो प्रेम के किले का उद्गम हुआ कि वृंदावन प्रेम को किलो है। उस किले में अष्ट सखियां जो हैं, जो युगल सरकार के परकर में हमेशा मौजूद रहती हैं, उस किले के भीतर दिशाओं के हिसाब से अष्ट सखियों का भी निवास है। उसमें बहुत बड़ा वर्णन है कौन सी सखी, ललिता जी कहाँ विराजती हैं, विशाखा जी कहाँ विराजती हैं, तुंगभद्रा कहाँ विराजती हैं, चित्रा कहाँ विराजती हैं, सुदेवी कहाँ विराजती हैं, ये अलग अलग वर्णन किया गया है वहां पर। और उसी किले के मध्य में
एक बहुत बड़ा चबूतरा है जिसको मोहन चबूतरा कहा गया है। आजकल लोग बहुत पैसे वाले बनते हैं और थोड़ा भी पैसा आ जाए तो हमने देखा है कि लोग चांदी के और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। जानते हो हमारे प्रिया प्रीतम जहाँ निवास करते हैं उनके महल की सीढ़ियाँ कैसी हैं जानते हो? हैं? नहीं पता। जहाँ प्रिया प्रीतम निवास करते हैं उस महल की जो सीढ़ियाँ हैं वो हीरों से जड़ित हैं। मड़ी माणिक इत्यादियों से वो वहां के जो जिनको आज की भाषा में पिलर कहते हैं बड़े सुंदर। जो भावुक व्यक्ति पहली बात तुम पहले जो भावुक नहीं है श्रद्धावान नहीं है वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता। प्रथम शर्त तो यही है प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवतवान। पहली शर्त ही क्या है भक्त बनने के लिए प्रेमी बनने के लिए किसी रसिक के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे। रसिक के मुंह से क्यों? देखो भाई मैं किसी ज्ञानी की निंदा नहीं करता हूं मैं क्योंकि मैं हूं भी नहीं ज्ञानी हूं नहीं तो अधिकार नहीं अपने पास में किसी की निंदा करने का। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं भाई ज्ञानी बन के प्राउड आ जाता है अभिमान होता है ज्ञान का। तुम लाख कोशिश कर लो इस अभिमान से तुम छूट नहीं सकते। इतना तो बता ही देते हो मैंने इतने इतने पुराणों का अध्ययन किया मुझे पता है ये श्लोक कैसे लगेगा तुम्हें नहीं पता। ऊपर से कहते हैं कि हमें अभिमान नहीं है। एक संत के मुंह से मैंने सुना बहुत अच्छी बात है ज्ञानियों को इस बात का तो ज्ञान है कि उनको इतने पुराणों का ज्ञान है लेकिन ज्ञानियों को इस बात का ज्ञान नहीं कि ज्ञान के साथ उन्हें अभिमान भी है। जहां रहत अभिमान तहां मेरा गोविंद नाही। तुम आए यहां कोई 10-12 दिना को छोरा हो और जो के मान जी गाड़ी उड़ा दी तुम मानोगे? मानोगे? अबू नेक्सो से छोरा के 5-6 साल को 7 साल को मानोगे? नंद बाबा बोले अरे बाबरे मत बनो मेरे छोरा पे भाई ढंग से करवट ले वो तो आंतु ना है भैया गाड़ियां इतने कैसे गा रहे तुम झूठ बोल रहे हो तुम बाबरे हो। चल अब बालक तो बालक बोले कहूँ सुनो हमें कोई पागल ही घोषित कर दे। हाँ कोई पीछे पड़ जाए तो पागल कह ही ना देंगे तो सब चुप पड़ गए और झट नंद बाबा। फिर भगवान कृष्ण को गाय की पूंछ से झारा लगाया। गाय जो है ना साधारण नहीं है मेरे प्यारे। श्री कृष्ण को भी किसी की नजर न लगे इसलिए ब्रजवासी मैया यशोदा बाबा नंद गाय की पूंछ से झारा देते हैं। आजकल तो गाय रही नहीं है तुम्हारे घरों में अब तो जो है वो छोटे छोटे उन्हीं की पूंछ से दे लिया करो। अरे भाई पहले गाय होती थी तो उसकी पूंछ से दे लेते अब जो तुम्हारे घर में उसी से दे लिया करो। क्या है जोर से बोलो गारंटी है अगर नजर उतार जाए बाकी पूंछ तो। अरे उसके लिए तो कितनी कहावत है 12 साल गाड़ के रखो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो जाकी 12 साल में उसी दिन हो वो तुम्हारे छोरा की नजर उतारेगा फिर भी हम कौन पालेंगे? बोले बिलायती लाए महाराज इंग्लैंड से है तेरा भगवान भलो करे पाप को भी इंग्लैंड से लाया है। यहां देसी कम है यहीं से ले लेता है एक आध हमारे हम जा रहते वहां कई घूम रहे ले जा हम दे फ्री खूब पे भाई छाछ और इन बिलायती ते ज्यादा अच्छो काम न करे तो हमारा नाम बदल दियो जा। भाई हमारे यहाँ ये भी तो वो क्या कहते हैं वो होते हैं क्या वफादार होते हैं ना
पर सिर्फ देसी वफादार हों तो है, विदेशी की कोई गारंटी ना है। चलो जी, हमें कहा अगर तुम एक बार कोशिश जरूर कर लियो, बाकी पूछते अपने छोरा की नजर उतारे बेकि अगर उतर जाए तो। वैसे हमें जहां तक पता उतरेगी नहीं। मैया यशोदा गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर उतारती है और जो है कहती है जितनी अलाए वलाए हैं वो सब समाप्त हो जाए। और वारे मेरे ठाकुर तू कितना बड़ा दयालु है। गौ माता भी कहती है तेरे लाला की सारी अलाए वलाए मुझे लग जाए, पर तेरा लाला हमेशा आनंद में रहे। क्या बोलना पड़ेगा? अब साहब ठाकुर जी नेकोर बड़े भये तो नामकरण संस्कार भयो। गर्गह पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज आए, कन्हैया को नामकरण भयो। कन्हैया को नामकरण का भयो? कृष्ण। रोहिणी के पुत्र को नाम बलराम, जिनमें बल अधिक है उनका नाम है बलराम। और कृष्ण आकर्षणेति इति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर खींच ले। खींचा कि नहीं? नहीं खींचा? वो लोग तड़प रहे हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं इन दिनों में, कह रहे। और एक दो दीवाने तो मैंने आज मिला उनसे, वो अपना एग्जाम छोड़ के ही भागा है। कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि, लेकिन ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए यही लिखा होगा शायद। लेकिन कई दीवाने तड़प रहे हैं कि हम कैसे जाएं वहां, कैसे जाएं। इतना आनंद आ रहा है हमारा टीवी पे, टीवी पे ही आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम्हें? कितनों आ रहा है? तो वो तड़प रहे नहीं आ सकते, लेकिन तुम तो आ गए। तुम्हारी किस्मत का तो वर्णन कोई नहीं कर सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मोहा कि नहीं, आकर्षित हुए कि नहीं? ये जो बीच में ना है ना, ना 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 के आर और क्या है? अब हिंदी वो इंग्लिश में तो ना नहीं आएगा, वो तो एन से काम चलाते हैं इंग्लिश वाले, तो उनपे कम शब्द है। वो अड़ा जो है इंग्लिश में एन से ही काम चला लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना है। और ना कैसे बनता है? ऐसे फिर ऐसे, लेकिन पूरा नहीं है, सीधे वाला नहीं है, यहां हाफ ही है। ऐसे वाले पे कपड़े टांग दो गिरेगा नहीं, और ऐसे वाले पे टांग दो तो राम। कितने सीधे, जैसे सीधे वैसे ही नाम बेचारे को राम। जय मारे लोग अंतिम समय पे वही को नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है। सूदो राम राम बेचारो, राम जी सीधे, चरित्र सीधो, पूरी मर्यादित। और जे हमारी सरकार, बाप रे बाप, ना बीच लेना नाम लेना कृष्ण, पहले राम लो राम। आज प्रत्यक्ष में नहीं ले सको तो मनी मन में लो राम, ले राम। फरक पड़े हो कछु? चुप नहीं करेगो, पता ही नहीं चली। अब ले कृष्ण, पहला बोलते जीव को टेढ़ी कर देता है, जीव को पहले टेढ़ी कर देता है। फिर ना इतना टेढ़ा है, इतना टेढ़ा है, जिसका नाम इतना टेढ़ा है तुम कल्पना नहीं कर सकते वो कितना टेढ़ा होगा। और जिन दीवानों ने, जिन प्रेमियों ने अपने पागल मन को, अपने बिखरे हुए मन को, दुनिया में विचरित हुए मन को उस कृष्ण की उस खुंटी पे टांग दिया है, उसके चरणों में बांध दिया है, निश्चित समझ लेना मेरे भाई बहन, उनका कभी भी मन भटक नहीं सकता। वो उस खुंटी पर, कृष्ण नाम रूपी खुंटी पर लटक जाता है, और जिसका मन लटक गया उसका बेड़ा पार। हे मेरे दीवानों, प्रेमियों, भक्तों,
प्रार्थना करूंगा दुनिया में मन को मत भटकाना, दुनिया में मन को मत अटकाना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया वाले तुम्हारे मन की वैल्यू नहीं समझते। अगर मन को लगाना हो तो मेरे कृष्ण के चरणों में लगा देना। ऐसा लगेगा कि लग गया तो तब तक लगा रहेगा जब तक तेरे को किनारा न मिल जाए, तब तक छोड़ने वाला नहीं। वो खुद भी टेढ़ा है, उसकी लीला भी टेढ़ी है, लेकिन उसका एक काम बहुत सीधा है। क्या? बिना मुक्ति किए छोड़ता नहीं है। ये काम बहुत सीधा उसका। और ये भी काम किसकी वजह से? सर्वेश्वरी श्री राधा की वजह से। क्यों? श्री जी हैं कपिला गैया, हमारे जो सर्वेश्वरी श्री राधा हैं उन जैसा कोई सीधा नहीं, कोई भी नहीं। हमारे ब्रज में कहते हैं, मैं भजन गाता ना, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, उसी में एक पंक्ति आती है, गोपी सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े, सीधी सीधी रे सिर्फ एक राधा गुजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे। अगर इस ब्रज में कोई सीधा है तो सिर्फ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी सीधी है। और ये सीधी है ना, उसका प्रभाव इन पे पड़ता है, सरकार पे। कभी कभी ये सीधेपन के काम कर देते हैं ना उन्हीं की डर की वजह से। तुम्हें भी राधा रानी की कृपा की वजह से ब्रज का वास मिला है। अगर कन्हैया की चले ना तो कन्हैया तो तुम्हारा कल्याण कर दे, बोलो राधे राधे। अब सरकार थोड़े से बड़े भए, घुटमन चलवे लगे, थोड़ो थोड़ो बोलवे लगे, तोतलो तोतलो बोलवे लगे, और बोलवे लगे तो सबसे पहले काम का करो, बोले ब्रज रज को भक्षण करो, ब्रज की रज को, यही ब्रज रज जिसमें आप वास कर रहे हो। कितना ठाकुर जी इस रज को महत्व देते हैं, इस ब्रज रज को अपने मुख पर धारण किया, इस ब्रज रज को पाया। क्या बोलना पड़ेगा? ब्रजरज को जब ग्रहण किया तो मैया यशोदा ने कान पकड़े, चोरेदारी गए, तेने माटी खाई है? तो कन्हैया कहते हैं, मैया ना हम भक्षितवानंब, मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी ना खाई। तो ये सब ब्रजवासी तो बोल रहे हैं, बोलिए सब झूठा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, अकेलो सांच में बोल रहा हूं। बोलिए सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले मैया दाऊ भैया ने सिखा दिए, या हमारे झूठ बोल रहे हैं। भैया बोली अच्छा तेने माटी ना खाई? बोले मैंने तो बिल्कुल ना खाई। बोले अच्छा एक काम कर, कहा बोले मुंह खोल मैं देखूं, अगर तेने माटी ना खाई होगी तो ठीक है। अब कन्हैया बोले सारे अगर मुंह खोले हो तो चोरी पकड़ी जाएगी, और चोरी पकड़ी गई तो मार पड़ेगी, अब क्या करें? बोले मुख में जो हो फिर सभी दिखा दो। और भगवान के मुख में क्या है, क्या है ये मत पूछो, क्या है ये पूछो, क्या नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, इवन ये शांति सेवा धाम का स्थान भी ठाकुर जी के ही मुख में है। नहीं है? तुम नहीं हो? जब ये सृष्टि में प्रलय होती है तो कहां जाती है? ठाकुर जी के गर्भ में, उदर में चली जाती है। और जब ठाकुर जी की इच्छा होती है, एको हम बहुत श्यामा, एक में से जब बहुत होने की इच्छा होती है तो एक में से बहुत होने लग जाते हैं, वहीं से कमल हो जाता है, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को वो ही बीज पकड़ा देते, वो ये पकड़ो, हो गया सृष्टि का सृजन। तो मेरे प्यारे बहन भाई हो, कन्हैया ने अपना मुख खोलो, अब मुख खोलो और मैया ने मुख में देखो, और जैसी कन्हैया के मुख में देखो और कन्हैया को मुख खोलो, पूरा ब्रह्मांड चांद तारे भी, सूरज भी, पृथ्वी और आकाश भी, सातों समुद्र, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र इत्यादि सब कुछ तो श्री कृष्ण के मुख में देखा। और मैया यशोदा ने जैसी देखो झट मूर्छित है कि गिर पड़ी, बोली जाके मुंह में कहा है। अब कन्हैया सोचवे लगे, अगर मैया को ये सब याद रहे हो तो मैया छोरा नहीं मानेगी, अपनो लाला नहीं मानेगी, तो
बोले भगवान समझ गए कि तिखाल में बैठार देगी, तिखाल समझ गए। पहले कच्चे घर होते थे और उन कच्चे घरों में ऐसे कुछ भी रखने के लिए सामग्री, अधिकांश भगवान वो तिखाल में धरे रहे पहले तो। अब भाई बड़े घरों वालों का तो हमें पता नहीं, हम रहे नहीं, हमारा तो जन्म है ब्रज में भयो, और ब्रज के छोटे से गांव में भयो, जब हमारे गांव में जन्म भयो तो जब मिट्टी के ही घर है वहाँ में तिखाल सो बने हो रहे हो, वही में ठाकुर जी धरे रहे, वही में वो दियो जरा दे करे मिट्टी के तेल को। अरे आजकल ही तो लाइट आ गई है, पहले थोड़ी लाइट गामन में, तुम आए यहाँ आती का गांव में रहे हो कबू झूठे कहूँ के, तुम शहरों में रहे होगे तो तुम्हें लगता होगा कि दिए भी जलते हैं। आज चलो जा, आज भी हमारी उत्तर प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहाँ दिए से काम चलता आज भी। लेकिन एक बात बताएं, पहली इस चकाचौंध से पहली जिंदगी ज्यादा बढ़िया थी। पहले लोग अपने बारे में नहीं पूरे गांव के बारे में सोचते थे, अब जब लाइट का प्रकाश बढ़ गया है तो जीव स्वार्थी हो गया है, अब गांव के बारे में छोड़ो साहब, माँ बाप के बारे में भी कोई नहीं सोचता, अब तो माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता, अब तो सिर्फ अपने बारे में लोग सोचते, मेरा भला होना चाहिए बस। जैसे जैसे जो लोग कहते हैं प्रगति हो गई है, भारत का विकास हो गया है, भारत बड़ी तरक्की कर रहा है, मुझे तो लगता है सिर्फ तरक्की पत्थर और सड़कों से तरक्की नहीं होती, बिल्डिंगें बनाने से तरक्की नहीं होती, जिसके चरित्र का हनन हो गया हो ऐसा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। आज आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ पिछले 20 सालों में मेरे भारत ने क्या चरित्र के संदर्भ में तरक्की की है, रखो अपने दिल पे हाथ और जवाब दो। कहने के नाम पे 20 सालों में सड़कें बनी, ये बनी, वो बने, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, 100+ मंजिल इमारतें बन गई, लेकिन क्या उतना ही नीचे हमारा चरित्र नहीं गिर गया, हमारी मानसिकता नहीं गिर गई? तो इसको आप क्या कहेंगे, विकास है या विनाश है? जहां एक छोटा सा बेटा भी अपने माँ बाप को इग्नोर करके चलता हो, क्या ये विकास है? आई हेट दिस कल्चर, और मुझे ही नहीं सबको करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट इंडियन कल्चर। प्लीज चेक योर सेल्फ देन यू डू समथिंग। राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्षमा करियो महाराज, मैंने क्या इंग्लिश बोल रहा हूं, के उद्देशन में चल लो ने को वो इंग्लिश ही थोड़ा सा क्षमा कर देंगे, वैसे तो मैं मुँह ना अच्छी लगा तो ना बोली जाते, कोशिश करता हूँ बस कबो को, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी को पूरी दुनिया में छोड़ गए, और भारत में तो ऐसी हावी है आज के नौजवान बच्चे काउ की नहीं मानेंगे, लेकिन जो अंग्रेजी में एक हलो कर दे ना, यस सर यस सर यस सर, तेरे बाप को सर, यस सर यस सर, सर के थोड़ी सी इंग्लिश बोल दो बस सर सर सर, तेरा सर खराब हो गया निकम्मे, इसको सेट कर पहले। तो थोड़ा बोलना पड़ता है इसलिए मजबूरी में हूं, लेकिन आप सब याद रखिए मेरे प्यारे, जितने भी यहां पर नौजवान श्रोतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, मैं तुम पे बहुत मेरा विश्वास है, यकीन रखना मेरे भाई बहन, तुम्हारे चरित्र से ही आज शांति मिशन का चरित्र बना हुआ है। जिस दिन तुम्हारा चरित्र गड़बड़ा गया उस दिन शांति मिशन भी उतना सम्मान्य नहीं रहेगा। तो इस शांति मिशन की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता पर है यहाँ के। मेरा तो कुछ नहीं है, ये शरीर तो न जाने कब चला जाए, लेकिन याद रखना जिसको आप एक एक रुपया लोगों से लेकर सजा रहे हो ना, उसको संभाल के भी रखना आप ही की जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं भारत का विकास हुआ है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा पुनः सरकार से कि भारत के चरित्र का भी निर्माण हो, इसलिए जरूरी है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में हमारे भारत के बच्चों को राम कृष्ण की लीलाओं को जरूर पढ़ाना चाहिए, राम जी की लीलाएं विशेष तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे हमारे भारत के चरित्र का निर्माण हो सके। हमारे कन्हैया तो तिखाल में, तिखाल से बात कर रहा था, तिखाल में
कन्हैया सोच रहे हैं कहूँ ऐसा ना हो कि मैं अगर मैया ने भगवान मान लिया तो तिखाल में बैठा देगी, और तिखाल में बैठा के सिर्फ दो चिनौरी और दो बतासे इनको भोग लगा पाएगी। बट में कहा दो चिनौरी दो बतासे दो गर्भवती और का चुना रहो। तो योग माया को बुलाया, योग माया से कहा कि जो अभी मैया ने देखा कृपा करो इसे बुला दो। योग माया ने तुरंत बुला दिया। मैया सोच रही है जो मैंने देखो कहा वो सही है गलत है, देखो कहा हतो कि ना हो भ्रम तो ना है। अब बोले ये चक्कर में पड़ गई मैया। तो मैया कुछ सोच में लगी क्यों ना कन्हैया से पूछ लूँ। कन्हैया को गोद में बैठा ला और कन्हैया को गोद में बैठा ला के कहवे पूछ भी लगी लाला अरे ओ कृष्णा तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही लाला है। तुम कन्हैया तो बहुत ही आहा बड़े चंचल हैं बड़े नटखट हैं, हमारे ब्रज भाषा में कहें तो बड़े त्रिकटबाज हैं। कितने बोले इतने महाराज। कन्हैया ने मैया की ठोड़ी ते हाथ लगायो और मैया ते कहवे लगे मैया मैं तेरो ही लाला हूं, तू मेरी मैया है और मैं तेरो। सुनो जिसकी गोद में अखिल ब्रह्मांड नायक बैठा हो और हाथ ठोड़ी पे हो, वाणी में मैया शब्द से संबोधित कर रहे होंगे। अब वो इस बात को याद रखना चाहेंगे मैंने पीछे क्या देखा। मैया बोली सवर्ण दादा चूल्हे में जीवा सही है, तू मैं तेरी मैया तू मेरो कन्हैया, यही बात सच है। और मैया भूल गई क्या भैया भाई कहा देखो बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहन कर्मंतर नियुक्ता सो निर्मंथम स्वयं दधि। एक दिन की बात है मैया यशोदा सुबह सुबह उठ के अपने हाथन सो कन्हैया के लिए दधि को मंथन कर रही, दधि को मंथन कर रही काय के लिए। देखो एक बात और बता दें हम आपको, जो बड़े लोग होते हैं ना वो सेवा करवाते हैं और जो छोटे लोग होते हैं वो सेवा करते हैं। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें बड़ा बनना है कि छोटा। बड़ा करवा ले भैया। मैया यशोदा रानी है, एक नहीं ग्रह दासी सो न जाने अनगिनत कितनी दास दासियां मैया यशोदा के घर में काम करती हैं। लेकिन यशोदा मैया क्या करे बोले अपने हाथ से ही दधि का मंथन करती है जो माखन श्री कृष्ण को खिलाना है। आजकल की मम्मी क्या करती हैं, दूध भी बोतल का। बचपन में पहले कहते ना मेरे दूध का कर्ज चुकाना, अब तो बोतल चिल्लाती है मेरे दूध का कर्ज चुकाना। बच्चा भी ईमानदार है वफादार है, जिंदगी भर बोतल का दूध चुकाता रहता है वो। बचपन में बोतल से दूध पीता है, जवानी में किसी और बोतल से पीता है और बुढ़ापे में फिर दवाई की बोतल से नेह लगा लेता है। जिंदगी भर बोतल छोड़ता नहीं है मेरा प्यारा, हाँ जी कि ना जी। और पिवा ले बोतल से दूध, फिर किया मेरे दूध का कर्ज चुकाना, वो कहेगा शड़ा क्यों। बोले मेरी मम्मी तो ये बोतल है, सुबह में जब उठता था तो सबसे पहले मेरे मुंह में लग जाती थी, रात को जब मैं सोता था तो मेरे रात में भी मुंह में लग जाती थी, जब जब मैं रोता था तब तब मेरे मुंह में लग जाती थी, तू तो मुझे इस बोतल के हवाले छोड़ जाती थी। अब बता तेरा कर्ज ज़्यादा है किस बोतल का, बताओ कर्ज किसका ज़्यादा है, डिसीजन दो हैं जी। तो ये किसका कर्ज चुकाएगा, मेरी बोतल छोड़ न जाना मुझे तेरा कर्ज चुकाना, है ना। राधे राधे। निवेदन करूंगा आप सभी से, जो जो अपनी गाड़ियों में आए हाथ उठाएं। जिन जिन लोगों ने ज्वेलरी पहनी हो और जिनके पर्स में कम से कम 20,000 रुपए से ज्यादा हो वो हाथ उठाएं, उठाइए। यहां नहीं जहां रह रहे हो वहां हो तो भी उठा दो ना। माधव को प्यार करते हो, माया से तुम्हारी कोई अटैचमेंट है नहीं, तो
तो एक काम करना, जो भी इस वृंदावन में अपने साथ में लाए हो वो सारी माया श्री माधव के ही चरणों में लगा के चले जाना, घर जाके फिर कमा लेना। गाड़ी वाड़ी मत ले जाना अब यहां से वापस, चाबी जमा करा देना। ओ महाराज, हम कल से आपकी कथा में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? मेरा क्या कसूर है भाई? कसूर तेरा है, झूठ बोले तू झेलू में। याद रखिए, उतना ही कहिए जितना सच हो, इससे बुरा मत मानना मेरे भाई बहन, बिल्कुल भी। न तेरी गाड़ी चाहिए, न तेरा मकान चाहिए, न तेरी दुकान चाहिए, न तेरा प्यार चाहिए, न तेरा व्यापार चाहिए, न तेरा पैसा। हमें कुछ नहीं चाहिए, न मेरे माधव को चाहिए कुछ नहीं। मेरे ठाकुर को अगर चाहिए तो तेरा मन चाहिए, वो भी स्वच्छ पवित्र निर्मल। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने पूछा मानव जीव से कि तू मुझे प्यार करता है या माया को? तू करता है माया से प्यार, माया कमाता है दिन में 12 घंटे और माधव के लिए नहीं है तुझ पे 12 मिनट भी, फिर कहता है मैं माधव से प्यार करता हूं। ये झूठ है, ये फेक बात है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये झूठ मत बोलिए। आप भगवान से पूछिए कि ये तेरी माया हमारा पीछा छोड़ती क्यों नहीं है, छुड़वाइए। साहब, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके बच्चे भी नहीं है, वो लोग भी रात दिन माया के चक्कर में पड़े। अरे जब कोई है ही नहीं तो क्यों उस लपड़े में पड़ा? छोड़ सारी दुनियादारी को और याद रख कृष्ण मुरारी को, और पकड़ ले उसके पैरों को, और इतनी कस के पकड़ ले कि अब तूने जब कुछ दिया ही नहीं तो कम से कम अपने आप को तो दे दे, कम से कम अपने आप को तो दे दे। जब कुछ नहीं दिया तो अपने आप को तो दे दे। जब इतनी जिद करके पकड़ लोगे उसके पैर, मैं सच कहता हूं मेरे प्यारे, मेरा अपने हृदय का भाव है, मेरा ठाकुर जी चाहे दुनिया में कहीं भी व्यस्त क्यों ना हो, वो तुझे अपने आप को दे देगा, पक्का दे देगा। तो मेरे भाई बहन, मैया ने जैसी सुनी कि मेरे दूध उफन गए भंडार घर में, तो तुरंत गई। कन्हैया बैठे गोद में, कहां बैठे? गोद में। कन्हैया को बैठा दिया धरती में और चली गई वह दूध देखवे। कन्हैया को बुरा लगा, कन्हैया बोले अब ही तो कह रही कि दही दूध को कहा प्यारो, मो तो छोरा ही प्यारो लगे, और अब दूध के पीछे वो बैठा रह गई धरती में। यही हाल है इस जीव का, कहता तो जरूर है कि मुझे ईश्वर प्यारा है, लेकिन सच्चाई इससे कई गुना दूर है। तुमने जितना अपने बेटे के लिए किया है उतना कभी भगवान के लिए नहीं किया होगा, अपनी आत्मा के लिए नहीं किया होगा तुमने। जितने तुमने अपनी बेटियों के लिए किया है उतना कभी भी तुमने भक्ति में आकर नहीं किया होगा। जितना तुमने संसार के रिश्तेदारों के लिए किया होगा उतने तुमने कभी भी साधु संतों के लिए नहीं किया होगा। ये कितना बड़ा सच है, इसे तुम झुटला नहीं सकते, इसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कटु सत्य है और इसे वही पसंद करेंगे जिन्होंने मेरे बात को दिल से समझा होगा। क्या बोलेंगे? जो जीव भगवान को छोड़कर माया से प्यार करता है तो माधव एक लीला करते हैं। क्या बोले? जिस वस्तु के विषय में जीव भगवान को छोड़ देता है परमात्मा उस वस्तु को छीन लेते हैं। मैया ने किस चीज के लिए छोड़ दिया कन्हैया को? दूध के लिए। हाथ में लई छड़ी लंबी सी और जितने वो माट मट का धरे का है, तड़ 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 सब फोड़ दिए और पूरे नंदगांव में दही दूध की कीच है गई। अब तो मैया दौड़ी सो दौड़ी कन्हैया को पकड़ो और उखल से बांध दियो, और उखल से बांध के मैया कहवे लगी तू बड़ो बिगड़ गयो है, आज तो को याकी सजा मिलेगी, दंड मिलेगो तो को। उखल से बांध के मैया श्री कृष्ण को चली गई। पीछे थे कन्हैया ने लीला करी वहां नलकुर और मणिग्रीव दोनों ही वृक्ष के रूप में हते, तो उखल दोनों वृक्षन के बीच में अड़ायो
और उन वृक्षन को गिरा दियो और उन वृक्षन में से नलकूप और मणिग्रीव दोनों प्रकट भए, यक्ष के पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़े और पूछा भगवान ने, आप जड़ कैसे बने? बोले महाराज, हम जड़ इसलिए बन गए क्योंकि हमसे एक बार देवऋषि नारद का अपमान हो गया। लिसन टू मी माई डियर, श्रीधाम वृंदावन में आए हो, मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं, कुछ लोग यहां रहकर अपनी बाणी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप। इसका प्रणाम आपको समझा देता हूं, बाद में जो चाहे कर लेना। यहां भक्ति करने आए हो, कुछ और करने नहीं आए, रिश्ते बनाने नहीं आए हो यहां पर, हैं? रिश्ते बनाने भी हैं तो सिर्फ ठाकुर जी से ही बनाना, और किसी से मत बनाना। वो बोले महाराज, हम अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे तो देवऋषि नारद, हम अपने मित्रों के साथ में थे, काफी सारे थे, तो जब हम जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उस समय देवऋषि नारद वहां से निकले, और देवऋषि नारद जब निकले तो सबने निकलकर बाहर खड़े होकर प्रणाम किया। हम दोनों भाई यही जल में ही खड़े रहे जड़वत। देवऋषि नारद क्रोधित हुए और कहने लगे, अरे दुष्टो, तुम बहुत अभिमानी हो, तुम्हें नहीं पता साधु संतों का कैसे सम्मान करना चाहिए। हम यहां हैं और इसके बावजूद भी तुम जड़वत जल में खड़े हो, तुम संत का अपमान करते हो। जाओ, हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, जाके चरणों में गिर पड़े। तब उन्होंने कहा था, द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे भाई बहन, अगर आपके आगे कभी भी जीवन में कोई साधु संत ब्राह्मण भक्त निकले, एक काम मेरे कहने से जरूर करना, अगर पास भी न जा सको तो दूर से अपना सर जरूर झुका देना उनके चरणों में, जरूर झुका देना। इतना तो जरूर कर सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। इवन कई बार तो ठाकुर जी की प्रेरणा से, गुरुदेव की कृपा से, महाराज श्री के आशीर्वाद से, हम भी ऐसा करते हैं कि जब कोई साधु संत, कई बार हम गाड़ी में होते हैं और वो किसी अन्य गाड़ी में है तो हम उनको देख लेते, दर्शन हो जाता है, लेकिन नहीं मौका मिल पाता है तो हम तो गाड़ी में ही बैठे बैठे उनको प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। साधु संत भक्त ब्राह्मण का सम्मान करने से हमेशा जीव यशस्वी होता है, परमात्मा के चरणों में अनुराग होता है। राधे राधे। तो आज वो वक्त आ गया कि प्रभु, नारद जी ने तो हमें श्राप दिया था लेकिन वरदान भी दिया था कि आपका दर्शन होगा। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज हम आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु। भगवान बोले, कुछ वरदान मांग लो। अब सुन लेना जरा, ये क्या वरदान मांग रहे हैं? वाणी गुणान कथनो श्रवण कथायाम। हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए, क्या वाणी से आपके गुणानुवाद गाएं, हाथों से साधु संतों की सेवा करें और श्रवणों से आपकी क्या करें। बहुत से लोग कहते हैं, कथा सुनने से क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है? जिसे तेरा दोस्त नहीं बदल सकता, जिसे तेरे माँ बाप नहीं बदल सकते, जिसे तेरे रिश्तेदार नहीं बदल सकते, उस किस्मत को ये भागवत बदल सकती है, ये कथा बदल सकते हैं। पूरे विश्व की संपदा अगर तू ठाकुर के चरणों में चढ़ा दे और कह दे कि मुझे इसके बदले में आप दर्शन दे दो, तो नहीं देंगे। और अगर कोई सद्गुरुदेव दिल से तुझे आशीर्वाद दे दे और कथा से अगर तुझे अनुराग हो जाए तो इसी कथा में तुझे कहीं नाचता हुआ सांवरिया जरूर दर्शन देगा, जरूर दर्शन देगा। क्या बोलना पड़ेगा? आज तो कथा सुन के सेटिस्फाई हो, अब तो कथा कहते कहते मुझे 2 घंटे हो गए, अब तो मैंने कोई भजन भी नहीं गाया, अब तो ठीक है, अब तुम्हारी शक्लें देखो कैसी हो रही हैं। इस चक्कर में बैठे हैं, कब शुरू हो? हैं? नहीं करूंगा शुरू आज, बिना भजन के कथा सुनो, बिना भजन के भी कथा हो सकती है, हैं? जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने क्या किया, ठाकुर जी ने नलकूर्व मणिक्रीव का उद्धार किया। याद रखना, नैनों की सफलता भगवान का दर्शन है, श्रवणों की सफलता भगवान की कथा का श्रवण है, हाथों की सेवा ठाकुर जी के साधु संतों की सेवा है, चरणों का पवित्र होने का मतलब है चरणों की सेवा, तीर्थों में भ्रमण करना है, हाथों का दान देने से दिमाग में वाणी में हृदय में अगर इन तीन जगह पर परमात्मा वास करने लग जाए तो तुम ही घर बैठे साधु हो, तुम साधु से कम नहीं हो। अब हमारे ब्रज में एक और लीला बड़ी सुंदर है, कौन सी, माखन चोरी लीला। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। बहुत से लोग कहते हैं वो घटघटवासी अंतर्यामी माखन क्यों चुराता है, उसे माखन चुराने की जरूरत क्या है। माखन चुराता है तो ऐसे लगता है जैसे वो साधारण मानव है, अगर भगवान है तो माखन की चोरी करेगा क्या? बोले बिल्कुल करेगा, वो भगवान है तभी तो माखन की चोरी करता है। अगर वो जीव होता तो हीरे मोती जवाहरात की चोरी ना करता, वो भगवान है तभी माखन की चोरी करता है, वो ईश्वर है तभी माखन की चोरी। अच्छा माखन की चोरी क्यों करता है जानते हो? गोपियां स्वयं चाहती हैं कि कृष्ण आकर हमारे माखन को भोग लगावे। एक भाव है बहुत सुंदर, ध्यान से सुने। एक बार ठाकुर जी का उस सखी के घर में माखन की चोरी कर रहे, माखन की चोरी करके खा रहे, माखन खा रहे, तो एक सखी का बोली चलो पकड़ लो इन्हें, दूसरी बोली नहीं पकड़ो मत, बिल्कुल मत पकड़ो इन्हें। अब वहां सखीन की एक टोली है, वो सखीन की टोली आपस में चर्चा कर रही है, बड़ी सुंदर चर्चा है। एक बोली गोपाल ही माखन खान दे, अरी बावरी चुप हो रही है, तनिक दहो लपटान दे। श्री कृष्ण सिर्फ माखन ही नहीं खा रहे हैं तो खिला भी रहे हैं दूसरों को, और क्या कर रहे हैं, बोले अपने श्री अंग पे भी वो माखन दही है लपेट रहे गिरा रहे। श्याम जी का रंग कैसा है, श्याम वर्ण है, और दही कैसा होता है, हैं? अब बताओ वो माखन कैसा सुशोभित हो रहा होगा उनके श्री अंगों पे, कितना सुंदर। एक सखी कह रही चुप बैठी रहे, कछु अल्लाह मत मचावे, जो हैरो वाय हों दे तनिक दहो लपटान दे, निक दही गिरन तो दे तन पे पता तो चलेगी। कोई कहे या ही पकड़ न चाओ, एक बोली पकड़ लो, काहे को, बोले नाच देखेंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो, बोले जा मारे कह रही हैं इन गोपीन की हिम्मत है, जो दुनिया नचावे वो गोपी वा नचावे। तुम नचा सकते हो भगवान को, है हिम्मत है नहीं है। तुम नाचते किसके सारे पे हो, जब उसने चाह तुम्हें जन्म दे दिया, जब उसने चाह तुम्हारी शादी करा दी, जब उसने चाह तुम्हें बर्बाद कर दिया, जब उसने चाह तुम्हें आबाद कर दिया, और जब उसने चाह तुम्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया, तुम्हारी चली कहां, तुम हो क्या, तुम्हारी चलेगी कैसे। नाचे जग जाकी माया में वाको सखियां रही नचाए, जिसके इशारे पे दुनिया नाचती है ब्रज की गोपी। एक सखी बोली अरे सुनइए का, कल परसों मेरे यहाँ आए जे, मैंने पकड़ ले, फिर मैंने इनते कही कि मैं तुम्हें मैया यशोदा के जोर ले जाऊंगी पकड़ के, तो बोले बिल्कुल मो तेरे जोरू हाथ मो पकड़ के मैया के जोर मत ले जावे, बहुत मार पड़ेगी। तो बोले एक काम कर, तू कहे तो मैं तो बंसी बजा के सुना दूं, का करके बंसी बजा के सुना दूं।
और तू कहे तो मैं तो नाच के दिखा दूं, तो अच्छा लगे तो फिर मत छोड़ियो। सखी बोली अगर मुँह अच्छा न लगे तो, अच्छा लगे तो छोड़ दियो, बुरो लगे तो मत छोड़ियो। तो कन्हैया बांसुरी बजावे लगे, इतनी प्यारी बांसुरी की दुनिया मोली। पक्षियां भी स्वर में लाने लगे, वो कोयल वो मोर मोर नाचने लगा। ए मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना एक बहुत प्यारी बात। मोरनी ने मोर से शिकायत की, मोरनी ने मोर से शिकायत की, तो मुझे देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते, तो मुझे देखकर कभी नाचते नहीं। मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए जीती हूं, और आप हो कि आप मुझे ढंग से देखते भी नहीं हो, न मुझे देखकर कभी नाचते हो, न मुझे देखकर कभी मुस्कुराते हो। कभी तो ये वक्त आना चाहिए। मोर कहता है देवी ये सोचना बंद कर दो कि मैं तुम्हें देखकर कभी नाचूंगा। क्यों? बोले मुझे तुम्हें देखकर नाचने का मन नहीं होता, मुझे तो काले काले घनों को देखकर, बादलों को देखकर नाचने का मन करता है। जब ये काले काले बादल आकाश में घिर के आते हैं तो मेरा मन करता है मैं खूब जम के नाचूं, और जब ये काले काले बादल चले जाते हैं तो मेरा मन रोने का करता है, तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। हे मेरे प्यारे हो, जैसे वो मोर मोरनी के लिए नहीं काले घनों के लिए नाचता है, वैसे तुम भी इन दुनिया वालों के लिए मत नाचा करो, मेरे घनश्याम के लिए नाचा करो। तो मोर की तरह तुम्हारा भी नाम श्री कृष्ण, जैसे मोर पंख धारण करते हैं वैसे तुम्हें भी अपने चरणों में तो जगह दे ही देंगे। बोलो राधे राधे। तो सखी को नाचे भी दिखावे लगे। एक कहे याई पकड़ नचाओ, एक कहे याई जान दे, दया सखी गोपाल लाल को, रस गोरस में लोग तो चर्चा ही कर रहे हैं। काय बात की पकड़ो, कोई करे नहीं खान दो माखन खान दो, कोई कही नहीं नहीं इनको पकड़ लो फिर नाची देखेंगी, कोई कछु कह रही। इतने में कन्हैया ने सुन ली और ग्वाल वालन ते बोले कन्हैया जितनी जल्दी है सके यहां ते सटक लो, और झट गोपाल कन्हैया भागे। और जैसे भागते हुए देखे सखी ने तो गोपी हल्ला मचावे लगी, शोर मचावे लगी, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, देखो भाग गए भाग गए भाग गए। और इतने में तो कन्हैया का वे हो पकड़ो री पकड़ो या ये पकड़ो री पकड़ो। लोग नाचेंगे तो पीछे वालों का क्या होगा, उन्हें तो कुछ दिखेगा ही नहीं। बैठ जाओ, कुछ लोग बैठ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। टुकिया पर याए पकड़ो रे पकड़ो, गयो श्याम टुकिया पर याए पकड़ो रे पकड़ो।
कौन माटी ते चलिया बनायो है, मैया जसोदा ने मुण पे चढ़ायो है, मैया जसोदा ने मुण पे चढ़ायो है। ओ जाने कौन माटी ते चलिया बनायो है, मैया जसोदा ने
ऐसे बोलेंगे? जितनी जल्दी आप खड़े होने में करते ना, उतनी जल्दी बैठने में भी किया करो। और एक बार प्यार से बोलेंगे सभी, ब्रज की गोपी चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर में आवे और माखन चुरावे। हे मेरे भाई बहन, आप कभी ये नहीं चाहते दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुनिया के चोर को अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकता। कर सकते हो? कोई आवे चोर आवे हमारे घर की तिजोरी में ते हमारे सबरे गहने ने चुरा ले जावे, पैसे ने चुरा ले, कोई सोचेगो नहीं। उस समय सबसे बड़ा धन ब्रजवासियों पे क्या था? गोरस, माखन। पूरे ब्रज में माखन दही दूध का ही काम होता था, तो सबसे बड़ा धन क्या था? माखन का ही था सबसे बड़ा धन। तो उस माखन के धन को गोपी क्या चाहती है? चुरा ले। क्यों? हम जिससे प्रेम करते हैं मेरे भाई बहन, देख लेना ध्यान से सुनिएगा, हम जिससे प्रेम करते हैं उसे अपनी बेशकीमती वस्तु देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। हाँ जी कि ना जी? स्त्री अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, तो वो देवियां अपने तन मन धन सब कुछ अपने पति को समर्पित कर देती हैं। इवन उस पति के लिए वो अपना मायके छोड़ देती है, माँ छोड़ देती है, पिता छोड़ देती है, भाई छोड़ देती है, भाभी सब कुछ छोड़ देती है। किसके लिए? बोले जिससे आज के बाद मुझे प्रेम करना है वही मेरी दुनिया है। ठीक वैसे ही मेरे भाई बहन, जब कोई सच्चा भक्त अपने परमात्मा से प्रेम करता है तो वो भक्त अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। जो थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता है ना, वो भक्त तो हो सकता है लेकिन सच्चा भक्त नहीं। सच्चा भक्त कौन है? मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। ब्रज की गोपियों ने अपने पास क्या रखा? लोग गोपी गोपी सब कह देते हैं, गोपी कौन है जो अपने पास अपना कुछ भी ना रखे, इवन तन भी नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं। गोपियों का सर्व धन क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है? बोले कृष्ण स्मरण ही गोपियों का सबसे बड़ा धन है। गोपियां अपने प्राणों का परवाह नहीं करती हैं बिल्कुल भी, अगर परवाह करती हैं तो सिर्फ इस बात की कि कहीं मेरा कृष्ण मुझसे दो क्षण भी रूठ न जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथई धरो प्रेम कहावे सोए। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? आजकल के प्रेमी जीते हैं ये सोचकर कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, और सच्चा प्रेमी जीता है ये सोचकर कि मैंने अपने प्रेमी को दिया ही क्या है। आज कलयुग के प्रेमी दुखी क्यों है? क्योंकि खुद पाने की इच्छा है, मुझे मिला नहीं, मुझे क्या मिला। और जब तक मिलने के चक्कर में रहोगे दुखी रहोगे, और जब देने के चक्कर में आ जाओगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, आनंद ही आनंद है। कई लोगों की तो शादी इस बात पे टूट गई कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, इतना कमाने में व्यस्त है, इसलिए पत्नी ने पति को छोड़ दिया, घर बैठ। ये प्रेम है? ये तो कुछ पाने की चाहत है। गोपियों ने कोई चाहत कृष्ण से रखी नहीं, वो गोपी इसीलिए गोपी है मेरे भाई बहन, वो कृष्ण रस का श्रवण करती है, कृष्ण को बस अपना परम धन है, उन्हीं को सुनना है, उन्हीं को गाना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं के लिए नाचना है, उन्हीं के लिए सजना है, उन्हीं के लिए सवरना है, उन्हीं के लिए वो ही वो देखे मुझे और ना देखे कोई। वो अपने पतियों के लिए नहीं सस्ती, वो जगत पति के लिए सस्ती है मेरे भाई बहन, कृष्ण के लिए सस्ती है वो। अगर दुनिया वालों की नजरें हम पे पड़ गई तो माया में ले जाएगी, और मायापति की नजरें हमें पड़ गईं तो माया से दूर ले जाएगी, दूर ले जाएगी। हे कृष्ण, ये जो हमारा मन है ना, मन हमारा माखन में है, ये जो माखन है ना, ऐसा है जैसे माखन कोमल है वैसे हमारा मन कोमल है, तो बोले इस माखन के बहाने आप हमारा मन चुरा लीजिए। लास्ट में जो मैंने कड़ी गाई है उसका अर्थ क्या है? क्या है उसका अर्थ? क्या है?
मन ले गयो माखन चोर। कौन ले गया? मन ले गयो माखन चोर, कोई और नहीं, उस माखन चोर ने मेरा मन चुरा लिया। एक बहुत बढ़िया पद हमारे ब्रज में गाया जाता है, किसी देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किसी देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, मेरा मन चुरा लिया। तुम वृंदावन में आए हो, एक बात सच है, तुम्हारा मन कभी ना कभी तो चोरी होता है, या तो दुनिया वाले चुरा ले या दुनिया बनाने वाला चुरा ले, और दुनिया बनाने वाला चुरा लेता है ना तो फिर दुनिया का कोई भी काम हमारे ऊपर असर नहीं करता, बेअसर होता है, बेअसर होता है। मेरी जिंदगी भी तू, मेरी जिंदगी भी तू, मेरी बंदगी भी तू, सांसों की माला में सिर्फ तू ही तू, ना कोई ऐसा वक्त आए जब तुझे ना देख पाऊं मैं, आंखें बंद करो प्यारे नजरों में है बस तू ही तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। क्या है? कोई भी खड़ा मत होना प्लीज, कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ बैठे बैठे एक पंक्ति गुनगुनाएंगे। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, जिधर देखता समाया है, मुझे तेरा रुतबा हर जगह नजर आया है, जर्रे जर्रे तू समाया है और हर जर्रे में मुझे तेरा ही आनंद नजर आया है, जिसे भी देखा उसमें तुझे देखा, मुझे तो मेरी रूह में भी तू नजर आया।
पत्ता पत्ता बोले क्या जय राधे जय राधे श्याम। पत्ता पत्ता बोले जय राधे जय राधे श्याम। कण कण भी ये बोले जय राधे जय राधे श्याम। जय राधे जय राधे श्याम। जय राधे जय राधे श्याम। जहाँ मेरे काना के सिवा कुछ नहीं। उसके आनंद में लीन हो तुम्हारी तुम जानो जो सुनना हो बाहर सुनना बाद में। अपनी खुदी को जिस वक्त खुदा नजर आया भूल बैठा मैं खुदी को जिस वक्त खुदा नजर आया मुझे जर्रे जर्रे में मेरा श्याम नजर आया। Yeah.
जहां मेरे काना के सिवा कुछ नहीं है। ये मेरी मस्ती यहां लेके आई, जहां मेरे काना के अस्तित्व के सिवा कुछ और नजर आता ही नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ब्रज की गोपियां इस प्रेम के रस में सराबोर लिप्त आनंद में डूबी हुई वो ब्रज की गोपी। मेरे भाई बहन, बहुत सुना होगा आपने लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। ये बहुत आसान है कहना, और जिस वक्त इसकी गहराई में उतरोगे ना, जिस वक्त इस गहराई में उतरोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि कितना महत्वपूर्ण है ये शब्द। लालई देखन में गई तो मैं भी हो गई, मुझे जिस वक्त मेरा खुदा नजर आया, जर्रे जर्रे में मेरा वो श्याम नजर आया। अपने आप के अंदर भी हर जगह हर तरफ वही नजर है। तो गोपियों ने अपना सर्वस्व कृष्ण को दिया, माखन नहीं चुरवाया, मन ही चुरवाया। भगवान उन्हें नहीं मिलता जो अपने आप को छिपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं। भगवान उन्हें मिलता है जो अपने आप को मेरे ठाकुर के सामने पूर्ण लुटा के रखते हैं। गोपियों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए श्याम माखन चुराते हैं। माखन मीन्स मन चुराते हैं। मन है कि नहीं? आपका मन चुर जाएगा तो कहीं के रहोगे? अभी तुम कंट्रोल में क्यों हो जानते हो? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा अभी चुराया नहीं ठाकुर जी ने। जिस वक्त तुम्हारा ठाकुर जी तुम्हारा मन चुरा लेंगे, यकीन मानना तुमसे दिल्ली मुंबई हर जगह की सानो सौकत छिन जाएगी और सिर्फ तुम वृंदावन की गलियों में ही भ्रमण करते नजर आओगे। खुद ही को भुलाया तो खुदा नजर आया। जब तक तुम्हें तुम्हारी खुद ही याद है, श्याम नजर नहीं आ सकता। पहले मिटा दे अपनी खुद ही को तो मेरा कृष्ण नजर आ जाएगा। चाहते हो तो अपनी मैं को मार के देखो, अपनी मैं को मोहन में मिलाकर देखो। और जब मैं मोहन में मिल जाएगी तो यकीन मानना एक संगम होगा, और उस संगम का नाम है भक्त भगवान का मिलन। सखियों का मन चुराया है मेरे ठाकुर ने, इसमें कोई संदेह नहीं, और जम के ठाट वाट से मन चुराया। लीलाएं तो बहुत है, काली मर्दन लीला है, काली नाग को ना, और देखो कितने सुंदर है। काली की, काली नाग की पत्नी नागिन क्या कहती हैं श्याम को देखकर, जब कन्हैया जमुना जी में गए, जमुना जी में गए तो जानते हो काली नागिन, हाँ क्या कह रही है, अरे तुम यहां से चले जाओ, इतने सुंदर हो, तुम्हें देख के तो मैं मन मोहित कर लिया तुमने, तुम जल्दी चले जाओ, हमारा पति जग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी का बोले पता है, भागू तो कुल कुंता के लागे, अब भगन कैसे बने, होनी हो सो हो ना के नाग तो बने, चाहे कछु है जाओ तो तेरे पति नाथ के ले जाओ, तेरे जोरे हाथ चले जाए यहां से, भाई कैसे जा, ये बहुत खतरनाक है। बोल देखो नागिन का स्वभाव होता है डसना, स्वभाव है उसका, प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन उस सबको डसने वाली नागिन का भी मन में प्यार जागृत किसको देखकर हुआ? कन्हैया को देखकर प्यार जागृत। अब सोचो वो तू प्यार का सागर है कि नहीं? जो प्राकृतिक विष युक्त व्यक्तित्व है उसके भी मन में श्री कृष्ण ने प्रेम जागृत कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण काली नाग को नाथ लाए। और हमारे यहां ब्रज में कहते हैं नागिन से ठाकुर जी ने कही कि वृंदावन में गड़े हड़ोल के नाक की करूं डोरियां, तेरे नागे नाथ के ले जाऊंगा, वृंदावन में झूला बना के श्यामा जुआ झूलाऊंगा। ये बड़ा ठाकुर जी की लीला बड़ी, नाक को नाथ कर लाए और फिर ब्रज में लीला हुई। गिरिराज गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण ने अपने आप को पुजवाया। कहते हैं भक्त और भगवान जब हमारे मध्य में आवे तो जीव को चाहिए कि भक्त और भगवान, गुरु और गोविंद जब हमारे मध्य में आ जाएं तो हमें चाहिए कि हम अपने गुरु की और गोविंद की पूजा जरूर करें। अगर गुरु गोविंद बिना पूजा किए यहाँ से हमारे
बिना पूजा किए चले जाएं तो उसका पाप लगता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को ब्रजवासियों से पूजवाया। ये प्रसंग हम आपको बताएंगे, गिरिराज की परिक्रमा लगवाएंगे, उससे पूर्व, क्योंकि आज गिरिराज जी की परिक्रमा आपको यहाँ बैठे बैठे ही मिलेगी सबको। याद रखें, अगर आस्था पे समय कंप्लीट भी हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, रात्रि में 10 बजे जो कथा आती है उसमें भी आप इस परिक्रमा को कर सकते हैं। लेकिन आप जो यहाँ बैठे हैं एकदम शांत बैठे रहें, इस अनाउंस के बाद परिक्रमा प्रारंभ करेंगे और ये परिक्रमा यहाँ बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ देगी, जिसको हम कहेंगे मानसिक परिक्रमा। जिस नियम के साथ बताया जाए उस नियम के साथ आप ये परिक्रमा अगर करें, क्या करें, पहले मानसी गंगा में स्नान धरो, फिर चकलेश्वर को ध्यान। गोवर्धन में एक बाबा है चकलेश्वर बाबा, ब्रज में 5 जगह भोलेनाथ वास करते हैं, नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में वो कामेश्वर, गोवर्धन में वो चकलेश्वर और मथुरा में वो भूतेश्वर और वृंदावन में गोवर्धन। 5 स्वर हैं, कामेश्वर, भूतेश्वर, नंदीश्वर, चकलेश्वर और गोपेश्वर। 5 जगह पर बाबा भोलेनाथ इस ब्रज में वास कर रहे आज भी। तो गोवर्धन की परिक्रमा का मतलब क्या है? बोले पहले मानसी गंगा का स्नान, फिर चकलेश्वर का ध्यान, फिर दान घाटी को प्रणाम। और दान घाटी से जब प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ करें तो परिक्रमा जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमको किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है तो बीच में रुक जाओ, चाय पानी जो आप लोग आजकल लेते हो वो ले लो, लेकिन पुनः जब परिक्रमा प्रारंभ करो तो जल से अपना मुख, वो कहते हैं ना आचमन करके, हाथ पांव पे थोड़ा जल डाल के, सर्प को थोड़ा ओम पवित्रो पवित्रो वा, थोड़ा मंत्र नहीं आता तो वैसे ही छिड़क लो, फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। इससे क्या होगा, फिर भी वो परिक्रमा में जब तक आप दे रहे हो बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी है, कुर्सी दे दो, बिल्कुल नहीं बोलना। यही जो आपका इष्ट है, जो आपका आराध्य है, जो आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, उसी मंत्र का जाप करते 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 आप परिक्रमा, चाहे वो गोवर्धन की परिक्रमा हो, चाहे वो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा हो, अगर आप परिक्रमा देंगे तो दिल से, अगर आप परिक्रमा देंगे तो यकीन मानना मेरे भाई बहन, आपको इस परिक्रमा का लाभ ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। हमारी माताजी बड़ी परिक्रमा दियो करती जब हम गांव में रहो करे गए, गांव में त्याग करें परिक्रमा देवे, और सुनो ऐसी ना आती, धोताएं 4 बजे निकलती, 2-2.5 बजे तक परिक्रमा देती और सांझ को फिर जाए के घर देख लेती, रोटी बनाती। ये छोटी बात नहीं है, ब्रज में रहकर एक घर में, गांव में, हमारा गांव तो गोवर्धन से मेरे विचार से जहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहाँ हम जो बैठे हैं शायद 48 किलोमीटर दूर है और यहाँ से शायद गोवर्धन भी 30 किलोमीटर है, तो टोटल हो गया मे बी 80। वहाँ सुबह निकलना और शाम को फिर जाके घर संभालना, और शायद हमारी माताजी ने कभी अपने लिए नहीं मांगा, हमारी माताजी ने हमारे लिए ज़्यादा मांगा, क्योंकि जब से इन्होंने परिक्रमा दी तब से हम बीमारी थे, और जब इन्होंने किया तो फिर हम कथा में आ गए, और फिर कथा में आ गए तो फिर मांगने लग गई होंगी, हमारे लिए मांगा इन्होंने। तो आज इनकी परिक्रमा का फल हमें क्या मिल रहा है कि आज हम जीवन पर्यंत एक ही ड्यूटी निभाएंगे, ठाकुर जी के गीत गाएंगे। हमारे बाबूजी भी परिक्रमा देते हैं, ऐसा नहीं है, माता जी से थोड़ा हमारा अटैचमेंट होता ही, बच्चों का, बेटियों का पिताजी के साथ में होता है, तो पिताजी भी हमारे पर, पिताजी की तो परिक्रमा बस कैसी, हमारे पिताजी को चलने की बहुत तेज चलने की आदत है, आज भी अगर ये चलें और हम चलें तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और ये आगे चले जाएंगे आज भी। और उस समय जो इन्होंने देसी घी खाया है ना उसका फल है, हमें तो मिलावट का घी मिलता है, वो भी डॉक्टर कहते हैं आजकल खाओ मत,
हमारे पिताजी तो आज जो कहते हैं देसी घी को लगाओ करो, वैसे नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे पिताजी भी परिक्रमा देने आते थे, साथ में आते थे, अच्छी बात है। तो इसका मैं ये अपने मम्मी पापा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि उनकी परिक्रमा का फल मैं बैठा हूँ और जीते जागते आपके सामने सबूत है, एक प्रमाण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, जब भी परिक्रमा दो तो बिल्कुल भी दुनिया की संसार की चर्चा, हमारे परिक्रमा देने का भी फल हमें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम परिक्रमा भी देते हैं, पूरी परिक्रमा तो झूठी होती है हमारी, कुछ ना कुछ खाते पीते, और हमारे ब्रजवासी तो ऐसी परिक्रमा देते हैं भैया, ऐसे ऐसे गीतन्य गांव में चले जाते हैं, काऊ को तो बगल में रेडियो चल लो है, काऊ की बगल में कछु, ये परिक्रमा का स्वरूप नहीं है। परिक्रमा का स्वरूप यही है, चाहे तुम संगीत लेके चाहे विदाउट संगीत भगवान का भजन करते चले जाओ, परिक्रमा दे चले जाओ, तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, और जो तुम मांग भी नहीं सकते उतना गिरिराज देता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो आप सबसे निवेदन है, ब्रज में आए हो तो मेरा अधिकार है कि मैं आपको एक ऐसी व्यवस्था बताऊं जिस व्यवस्था के साथ आप इस परिक्रमा को करें, तो वो व्यवस्था मैंने आपको बताई है, और जो भी आस्था के माध्यम से इस प्रसंग को सुन रहे हैं उन सब से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी आगे से जो परिक्रमा दें वो ऐसी ही परिक्रमा दें जिसकी चर्चा अभी हमने आपके मध्य में वर्णित की है। एक बार पुनः बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, अभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माता जी, ए मैया, अब बच्चों ही कहा है अम्मा, कहा करे घर जाए के? पीछे भी बैठ जाएं, कोई खड़ा ना हो, आइए हम मंत्र जपेंगे मेरे साथ मिलकर। इस मंत्र को जपने से जो मैं अभी आपसे बुलवाने जा रहा हूं, इन मंत्रों का उच्चारण पुनः एक बार याद दिला दूं आपको, आपके घर में किया हुआ सत्कर्म और तीर्थ में किया हुआ सत्कर्म कई गुण ज्यादा आपको फल देता है। आप घर में बैठकर एक बार कृष्ण कृष्ण कहो तो एक ही बार का फल मिलेगा, और श्रीधाम वृंदावन में बैठकर एक बार कृष्ण कृष्ण कहो तो 1000 बार का फल मिलेगा। एक और अच्छी बात बताऊं कलयुग की, आप अगर अकेले बैठ के कृष्ण कृष्ण कहोगे तो उतना ही फल मिलेगा, और यहाँ अगर आपने एक बार नाम लिया और जितने 1000 लोग यहाँ बैठे हैं इस ग्राउंड में और बाहर और ऊपर पीछे जो भी चाहे बाहर तक सुन रहे हैं और वो गा रहे हैं, टोटल जितनी बड़ी संख्या होगी आप एक बार लोगे उतने 1000ों का नाम होगा, इसको मल्टीप्लाई करो उतने ही 1000ों से, आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई। हम लोग घाटे का सौदा नहीं करते साहब, हम पहले ही सोच लेते कितने जिजमान आएंगे, कितना खर्चा करना है, कितना नुकसान वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य जिजमान से इतना ले रहे हैं तो लास्ट तक कर दो, जिजमान से इतना ले रहे हैं बोले ऐड कर दो, इतना हो रहा है इनसे बोले भोजन अच्छा खिलाओ, तुम नहीं अच्छा करोगे तो भोजन में कमी करवा देंगे हम, सही नहीं है, कहां से देंगे, हम पे तो है नहीं ना, तेरा तुझको अर्पण, तुम अच्छा दोगे भोजन में सब्जी बढ़ जाएंगी, तुम नहीं दोगे सब्जी घटा दी जाएंगी, तेरा तुझको अर्पण है, अपने सिस्टम में कुछ नहीं है हमारे पास, अच्छा दो अच्छा खाओ। तुम लोग यहाँ पर ऐसे खर्चा किया करो जैसे लोग नहीं जगह जगह बैंकों में जमा करके रखते, एक बैंक में नहीं रखते, वहाँ गए तो वो बैंक बंद होगी तो उसका ए टी एम है ना, कई बैंकों में रखो, वैसे ही एक धर्म की बैंक में भी रखा करो मेरे भाई बहन। अगर दुनिया की हर बैंक बंद हो जाए तो तुम्हारे धर्म की बैंक का ATM 24 hours डे एंड नाइट एवरी बियर ओपन रहे हर जगह। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, क्या
एक अकाउंट मेरे ठाकुर जी के बैंक में भी अपने नाम का खोल लो। और ये सच है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन तुम्हारा अकाउंट मेरे ठाकुर जी की बैंक में खुला हुआ है। बस उसमें कितना जमा कर सकते हो ये देखना है, कम करना है कि ज्यादा है? ज्यादा कैसे होगा? ये ज्यादा जमा होगा, जितना नाम जपोगे उतना ही ज्यादा होगा। और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, जो लोग हमारे ठाकुर जी के मंदिर के लिए पत्थर के लिए निर्माणित कार्य को सहयोग में दे रहे हैं। यकीनन आप सीढ़ी दर सीढ़ी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे साहब, आपने अपने घर में पत्थर बहुत महंगे लगवाए होंगे, लेकिन ये दुनिया का घर नहीं बन रहा है, ये मेरे ठाकुर जी का घर बनना है। और यहाँ जिनसे हमने पत्थर लिए ना, वो भी यहीं बैठे हैं, जो पत्थर लगवा रहे हैं लाए हैं उनसे, वो भी यहीं बैठे हैं। और याद रखना, दुनिया के लिए अगर पत्थर अपने घरों में बनवाए हैं तो हमारा दिल भी पत्थर का हो गया है। ठाकुर जी के पत्थर जैसे मंदिर में लगेगा पत्थर, अगर हम उसमें सहयोग करें तो पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाएगा जब हमारे सत्कर्मों को देखेगा। तो आज जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उन सब का बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान उन्हें और शक्ति दे और प्रेरणा दे। मेरी हृदय से इच्छा है कि इसी कथा में अगर ये पत्थर की प्रतिक्रिया पूरी हो जाए तो हमें इसके लिए दोबारा न मांगना पड़े। सच बताएं, मांगने में बहुत शर्म आती है। मैं तो इतना मना करता हूँ सबसे, शर्मा जी से, मैं खुद भी इतना बुरा लगता है मांगना। लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं, हमारे पास कोई दूसरा काम है नहीं, हम लोग भी विवश हैं। या तो अच्छे सपने देखना बंद कर दें, और अगर अच्छा सपना देखें तो मेरी शक्ति आप हैं, मेरा बल आप हैं, मेरा समर्पण आप हैं, तो आप मेरा घर हैं, आप जनता जनार्दन हैं। अगर मैं आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं? काश मुझे ठाकुर जी इस लायक बनाता कि मुझे आपसे कम से कम ये न कहना पड़ता कि आप सहयोग करिए, पर अभी मुझे इस लायक नहीं बनाया है। अभी मुझे कहना पड़ रहा है कि आप मेरे ठाकुर को इतने प्यार से सजा दो, इतने प्यार से सजा दो कि जो कोई भी इस मंदिर में आकर दर्शन करे तो सब लोग कहे कि जिन्होंने भी इसे सजाया है बहुत प्यार से सजाया है, बहुत दिल से सजाया है। कहीं आसान हो कि इन बातों को कहते कहते मेरी आंखें नम हो जाएं, उससे पूर्व ही मैं अपनी वाणी को थोड़ा विश्राम की तरफ लेके चलूं। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें और गिरिराज बाबा को प्रणाम करें, हाथ जोड़कर बैठे रहें। हम ये मंत्र उच्चारण करेंगे और भगवान की बैंक में आप ये जमा करने की कोशिश करेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा, पीछे भी नहीं, बैठ जाइए, नाम धन कमाएंगे। शीघ्रता से जिन जिन को बुला रहा हूँ वो शीघ्रता से मंच पर पूजन करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर ही बैठकर प्रवीत जी आप भी आ जाएंगे पटना से, सब मिलकर बोलेंगे मेरे साथ। होरी में हार गई प्यारे ओ रसिया रंग मत डारे, होरी में हार गई प्यारे ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत
छवि ले तो, सभी लोग खड़े हो जाइए, अब तुम काहे बैठे हो आलसी कहीं के। ओ छलिया छल छवि ले तो, यशोदा के, यशोदा के छैला मतवारे, ओ रसिया रंग मत डारे, यशोदा के छैला मतवारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, गोवर्धन से हमारे विप्रदेव आए हुए हैं और पूज्य महाराज श्री को आशीर्वाद देते हुए गिरिराज जी का, आप शास्त्री जी आचार्य देव गोवर्धन से आए, और हमारे इंदौर से सभी भक्त जो पधारे हैं प्रेम गोयल जी के साथ में, उनकी ओर से 1,00,000 रुपए का सहयोग पत्थर के लिए दिया है, जोरदार ताली बजाएंगे उन सभी की ओर से 1,00,000 रुपए का सहयोग। निवेदन करूँगा प्रेम भैया और जो भी इंदौर से आए आ जाए सब मंच पर आकर हमारे शिष्य आशीर्वाद प्राप्त। ताली बजाते रहिए और नाचते रहिए राधे। मैं नई नवेली ब्रजवाला में, नई परी मोते लाला, मेरी मान मेरी मान मेरी मान कही बंसी मारे, ओ रसिया रंग मत डारे, संग बज मारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, होरी में यार गई प्यारे, और सिया रंग मत डारे, हो 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 होरी ये, हो 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 होरी ये, हो 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 होरी ये, हो 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 होरी ये,
आवे यो इतरा वे कनुआ कारे ओ रसिया रंग मत डारे यो इतरा वे कनुआ कारे ओ रसिया रंग मत डारे राधे 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 कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221 0735111333 0735111444 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com।
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें